हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैसीन लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। आज हम ऋषिकेश आए हैं और जो जितने भी शॉर्ट्स मैंने भेजे वो यहीं के हैं, इस धरती का पावन नगरी ऋषिकेश। वैसे उन ऋषिकेश नहीं बोला जाता है, एच लगता है ऋषिकेश, महर्षियों की तपे हुए हैं। आज हम यहाँ आए हैं बड़े सालों बाद और ये देखो यहाँ का खूबसूरत व्यू और माँ गंगा की पवित्र धारा। धूप तो यहाँ भी बहुत तेज़ निकली, कल बस बादल लगे हुए थे। कुछ शॉर्ट्स जो भेजे थे ना वो एकदम क्लाउडी स्काई थी और शाम के 5 बज रहे थे। मैंने सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ। ये जो एक छोटा सा प्लास्टिक का आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कूड़ा लगा हुआ है कई जगह मैंने देखा। ये रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जो भी छोटे छोटे ढाबे हैं, मे बी रेस्टोरेंट्स वाले भी ना करते हों ऐसा, ढाबे जो छोटे छोटे हैं ना उनके जितना भी कूड़ा निकलता है ना वो नदियों में फेंका हुआ है। मैंने कॉर्नर कॉर्नर पर लक्ष्मण झूला के पास, ये जो आप झूला देख रहे हो ना ये राम झूला है, और वो इधर जो देख रहे हो ये सीता माँ का झूला है, इनका नाम है, ये नाम क्या है, जानकी सेतु, जानकी पुल भी बोलते हैं इस। वहाँ तो इतना नहीं दिखा मुझे साफ सुथरा, लेकिन ना मुझे कॉर्नर कॉर्नर पर बहुत सारा कूड़ा दिखा, ये बहुत दुखद है। और दूसरा ये मैंने बहुत लोगों को देखा कार से सोडा की बोतल फेंकते हुए, क्या कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंकते हुए, और पीछे ट्रक आ रहा था वो ट्रक के नीचे इतनी ज़ोर सी जैसे लगा ब्लास्ट सा हुआ एकदम से। ऐसा हरकत करने के लिए यहाँ पर आते हैं लोग, मुझे नहीं पता यहाँ पर अय्याशी करने आते हैं, जबकि अय्याशी का अड्डा तो है नहीं। पता नहीं दिमाग में कितना गंदा और कितना कचरा जो भी होता है लोग यहीं फेंकने आते हैं और यहीं सब करने आते हैं। यहाँ आ जाओ, दिमाग की शुद्धिकरण कर लो तो ये किसी से नहीं होता। मुझे आप लोगों से ये शेयर करना है। और ये है माँ पावन गंगा पवित्र धारा, और अब थोड़े थोड़े ना क्लाउड से लग रहे हैं, मे बी शाम तक फिर बारिश हो जाए। यहाँ पर ना ऐसे ही होता है, अभी धूप है, 10-11 बज रहे हैं। और दूसरा ये कि यहाँ चेन्स लगी है ना, तो चेन्स को पकड़ के फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टेयर्स तक ही जाएं आप, थर्ड स्टेयर पर रिस्क ना लें, बहुत ही तेज करंट है। और ये देखो ऊपर से ये जो परमार्थ, ये कौन कौन से निकेतन है ना, इनके ना इतने शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, इतना नॉइज़ पोल्यूशन कर रखा है, क्या है मतलब इतना नॉइज़ पोल्यूशन कर रखा है इन लोगों ने, माइक से भजन पता नहीं क्या गा रहे हैं। और पता है वो ना गंगा माँ की जो कलकल धारा है, खूबसूरत सी धारा है, यही मेलोडियस है, उसको क्यों सुनाते हैं ज़बरदस्ती ये लोग मालूम नहीं। और ना जाने इनकी वजह से कितने हाथी अपना रास्ता भूल गए, कितने हाथी ना भटक गए, ये सारी बातें भी मुझे यहाँ पर जानकारी मिली। मुझे कुछ बहुत पहले से इसके बारे में पता है, एनवायरनमेंट का तो घंटादार ही कर ही दिया। और ये लोग ना जब देखो एक सुबह शाम की आरती करनी है कर अच्छी बात है, गंगा आरती करनी है अच्छी बात है, भजन कर लिए अच्छी बात है। अब पता है दिन भर वहाँ चिल्लमची हो रही है, इतना शोर हो रहा है कि ये भजन अच्छा नहीं लग रहा, कान में ना तकलीफ हो रही है। और दूसरा ये कि माँ की जो ये कलकल धारा है ना, इन लोगों ने वो भी डिस्टर्ब कर दी है, मतलब माँ भी सोच रही होंगी कि मतलब मैं भी अपनी आवाज़ बंद कर लूँ इनके सामने, तो ये इतनी इतना बुरा सा लग रहा है ना। अब इसको मैं किन शब्दों में बयां करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ना इतना शोर हो रहा है, वो सामने आप देख रहे होंगे आश्रम सब। मैं तो उस तरफ ज़्यादा गई नहीं, नाइट में मैं गई थी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा उस तरफ। अब वहाँ गंदगी इतनी है, गंदा तो इतना है, डर्टी 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 स्मेल, बहुत ही गंदा है ये कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर तक पता नहीं। और इतना शोर हो रहा है ना, इतना शोर हो रहा है, पता नहीं कोई यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है, BDO है, IAS ऑफिसर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ की सरकार क्या सोचती है, क्या मतलब कुछ तो रेगुलेशन, कोई मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आप दिन भर चिल्लाना नहीं है। पता है इतनी तेज़ इनकी माइक और इतना तेज़ भजन चल रहा है कि कुछ भी धारा आपको सुनाई नहीं दे रही होगी,
और अब मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ, अब आप इनकी कलकल धारा जो भी सुनाई दे रही है सुने। और उनका शोर, उन लोगों की माइक का शोर इतना ज़्यादा है ना कि मुझे वीडियो बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो ज़बरदस्ती ना ऐसे करना भी ठीक नहीं होता है, ज़बरदस्ती मतलब भजन सुनाना जिसको नहीं सुनना है। पता है माँ की जो ये धारा है यही बहुत है आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, आपको खूबसूरत क्या बोलते हैं, शांति सी अच्छी सी देने के लिए। लेकिन ये इतना शोर हो रहा है ना उन लोगों का कि पता नहीं, इसीलिए अब मैं आपको गुड बाय बोलती हूँ और फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। वेलकम, मोस्ट वेलकम अगेन, गुड बाय फ्रेंड्स। अब आप खूबसूरत सी धारा की जो ये प्रवाह है इसको सुने। मैं तो पता है मैंने तो काफ़ी देर वहाँ पर वो जो वहाँ पर है ना, बाप रे ये स्लिप हो रहा है पैर, ये यहाँ पर मैंने पैर रखे थे इसके अंदर यहाँ पर, और वहाँ से मैं भी ऊपर आई, पूरे कपड़े गीले हो गए मेरे। अब धारा की आवाज़ सुनी।